कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कोरोना का कहर हर जगह सितम बनकर टूट पड़ा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी लोगों की जिंदगी चुनावों से ज्यादा जरूरी है, इसलिए अखिलेश ने सकारात्मक कदम उठाते हुए अपनी विजय रथ यात्रा के पहिए फिलहाल रोक दिए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तेजी के साथ राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है, उसी तेजी के साथ राज्य में कोरोना भी पैर पसार रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिलहाल अपनी विजय रथ यात्रा को रद्द कर दिया है। 9 जनवरी को अखिलेश यादव की अयोध्या में विजय रथ यात्रा होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से उन्होंने इसे टाल दिया है। 8 जनवरी की रात को अयोध्या सर्किट हाउस में रात को आराम के बाद 9 जनवरी को अखिलेश यादव की अयोध्या में विजय रथ यात्रा होनी थी। इसके अलावा अयोध्या शहर और रुदौली में उनकी 2 जनसभा भी थी जो स्थगित कर दी गयी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने अखिलेश यादव के कार्यक्रमों के रद्द होने की पुष्टि की है। इससे पहले एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग पर बीजेपी का प्रचार प्रसार करने का आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि राज्य में सपा की सरकार बनते ही बीजेपी का प्रचार करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि सूचना विभाग का काम सरकारी विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करना है, बावजूद इसके लाल टोपी दिखाकर फर्क बताने वाले राजनीतिक विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि सूचना विभाग बीजेपी के राजनीतिक प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।